बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी वानगी आज सियाना कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिली, जहां गोपाल जी डेयरी के पास हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी से नोटों से भरा बैग लूट लिया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित ने लूट का विरोध किया तो बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी, जिससे व्यापारी की मौत हो गई। बुलंदशहर एसएसपी डीआईजी संतोष कुमार सिंह के मुताबिक घटना आज सुबह सियाना कोतवाली क्षेत्र के रजवाहा रोड की है। पुलिस के मुताबिक गुड़ व्यापारी प्रदीप अग्रवाल अपने घर से बैग में 4 लाख रुपए लेकर मंडी जा रहे थे। उसी दौरान बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। न सिर्फ 4 लाख रुपए की लूट की गई, बल्कि विरोध करने पर बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। आनन फानन में परिजन 60 वर्षीय घायल प्रदीप अग्रवाल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रास्ते में ही व्यापारी की मौत हो गई। लूट और हत्याकांड की वारदात के बाद व्यापारियों में भी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर सियाना स्थित बुगरासी चौराहे पर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मामला गरमाता हुआ देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां नाराज व्यापारियों को कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाने का प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक व्यापारी के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। एसएसपी के मुताबिक लूट और हत्याकांड का अनावरण करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जबकि एसएसपी संतोष कुमार सिंह बहुत जल्द घटना का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। ये आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास सयाना के एक गुड़ के आढ़ती हैं प्रदीप अग्रवाल, और इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है। बाइक से अपने घर से बम्बे के रास्ते से नवीन मंडी जा रहे थे कि रास्ते में अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा इन पर फायरिंग की गई है, जिसमें घायल हो गए थे और इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई है। परिवारिकजनों द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनके पास 4 लाख रुपये कैश था, और एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि ये लगभग 50-60 लाख रुपये के कर्जदार थे। तो कई बार कई लोगों से जिनसे इनकी देनदारी का विवाद था, वो विवाद चल रहा था और कुछ मारपीट घटनाएं भी हुई थी। तो संपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, साथ ही हमारी 3 टीमें इस अभियोग के अनावरण हित लगाई गई हैं। स्वाट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, सर्विलांस की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सर, प्रारंभिक जाँच में कारण क्या बताया गया इस घटना? देखिए, प्रथम दृष्टया तो अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे हैं प्रकरण लूट का है, लेकिन रंजिश के एंगल से भी हम लोग इस प्रकरण को देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी इनके विवाद कई ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके साथ इनका लंबा लेन देन का विवाद चल रहा है। एक तरफ घटना के बाद जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं व्यापारियों में भी घटना के बाद दहशत का माहौल है। Time24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। गाँव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।